नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस का, जो कि पेपर अब कैंसिल्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो अब फिर से आप री एग्जामिनेशन दोगे तो उससे संबंधित ही पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि वो भी बुक का था। आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट री एग्जामिनेशन में आएगा वो भी बुक का होगा, हो सकता है इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हो, तो ये सॉल्यूशन आपके लिए कारगर हो सकता है। या फिर आपने अभी जो एग्जामिनेशन आपने दिया था उसमें आपने क्या गलतियां की, उन गलतियों को सुधारने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है सॉल्यूशन में। तो आइए हम देखते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पे मैं सेक्शन सी का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। पिछला सॉल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव टाइप और जो बहुत छोटे टाइप क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्टिव नहीं जो बहुत शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थे, उसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। और अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, मैंने डाल चुका है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देखने आता है तो हमारे साथ बने रहें, लास्ट में ही आपको वीडियो के बगल में एक बॉक्स मिलेगा, वहाँ पर आप टच करके हमारे पहले अपलोडेड वीडियो में जा सकते हैं। तो आज जो CBSE में पूछा गया है क्वेश्चन, उसका मैंने यहाँ पे शॉर्ट टाइप का थ्री मार्क्स और फोर मार्क्स का फुल एनालिटिक सॉल्यूशन किया है, बिल्कुल क्वेश्चन को बताते हुए। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड। फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। तो आइए अब हम इसके यूजुअल स्पीड के बारे में देखते हैं कि इसका कितना और किस तरह से इसको मैंने फाइंड किया है। आइए चलते हैं बोर्ड पर। तो यहाँ पे मैंने यूजुअल स्पीड को x माना है। अब अगर ये अपना यूजुअल स्पीड अगर x है तो कितना ये टाइम लेता, तो टेकन टाइम T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड से, मैंने चूंकि 1500 का टाइम था तो 1500 बाई x आवर किया। तो अब क्या है कि जब इंक्रीज कर दिया स्पीड इसने यूजुअल 100 किलोमीटर पर आवर इसने स्पीड इंक्रीज किया, तो इंक्रीज स्पीड हो गया एक्स प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। अब इसने जब इंक्रीज किया स्पीड तो कितना टाइम लिया, तो T2 इज इक्वल टू डी बाई स्पीड इज इक्वल टू 1500 बाई एक्स प्लस 100 आवर, ये टेकन टाइम जो हमारा है इतना आवर। अब आप देखिए कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन कह रहा था कि ये 30 मिनट लेट से पहुंची, यानी कि ये जो दोनों टाइम का जो डिस्टेंस है वो 30 मिनट से। तो मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है बिल्कुल इस तरह से, T1 माइनस T2 दोनों के बीच का डिफरेंस, और यहाँ जो टाइम को मैंने संबल में निकाला है उसका डिफरेंस, आप वीडियो रोक के इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो इसमें हमारा दो आंसर्स आता है लास्ट में, एक -600 और एक 500। तो -600 तो खैर बनेगा नहीं, क्योंकि कभी भी स्पीड माइनस में नहीं हो सकती है, तो इसका जो आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा 500 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपका इतना आया है तो बिल्कुल सही है और आप मार्क्स पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 14 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें दो है, दो क्वेश्चंस हमको प्रूव करना है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को सबसे पहले एक स्क्वायर के साइड पे बनाया जाता है एंड देन उसको फिर ड्रॉ किया जाता है उसके डायगोनल पे, तो कितना दोनों के बीच का जो रेशियो है दोनों के एरियाज का वो 1/2 का रेशियो होना चाहिए, यानी कि जो डायगोनल पे बना है वो डबल्ड होना चाहिए और जो साइड पे बना है वो उसका हाफ होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर लिया है ABCD और इस ABCD के स्क्वायर का साइड को मैंने x लिया है, तो इसका डायगोनल हो जाएगा √2 × साइड इज इक्वल टू √2x, साइड को x। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, तो ये जो हमारा CDE है, ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है साइड पे वो CDE है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, √3/4 × CD² साइड है तो x². फिर ACF जो कि बनाया गया है इसके डायगोनल पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मैंने ACF का यहाँ पे निकाल दिया एरिया, ACF का एरिया √3/4 × साइड² तो यहाँ पे इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 × √2। अब यहाँ पे साइड का हमने वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे √2x² तो √3/4 × √2x² तो √2² 2 और x² x² यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 बनाया
और फिर हम देखते हैं कि दोनों के एरियाज का क्या होता है रेशियो। तो मैंने इक्वेशन 2/1 किया, तो यहाँ पे √3/4, 2x² ऊपर और √3/4 x² नीचे, √3/4 √3/4 कैंसिल, x² कैंसिल, तो ये 2 टाइम्स है। यही हमको प्रूफ करना था कि प्रूफ कीजिए कि जो डायगोनल पे है वो 2 टाइम्स होगा। सो मैंने यहाँ पे प्रूफ किया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लेकिन उसके पहले शायद इसमें एक और करके भी क्वेश्चन दिया हुआ था, तो अगर जो लोग और वाला बनाए होंगे वो उनके लिए भी मैं इसमें सॉल्यूशन कर दूंगा, कर देता हूँ यहीं पे। चलिए आइए तो 14 का और वाला देखते हैं। तो 14 का और था, प्रूव दैट इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर सेम देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। यानी कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया जो है जो इक्वल हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए आइए, तो इसको भी मैंने सॉल्व किया है ये और वाला प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं ABC और PQR दो ट्रायंगल्स लेता हूँ, ये दोनों ट्रायंगल्स को मैंने सिमिलर माना है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने ये भी लिख दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ऑल्सो बी नो दैट कि अगर दो ट्रायंगल्स का ऑल्सो बी नो दैट अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, तो AB² ऊपर और PQ² यानी कि AB का कोरस्पॉन्डिंग साइड PQ हमने ऊपर में स्क्वायर और नीचे में स्क्वायर लिखा। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, सो डैट हमने ABC को ऊपर रखा, PQR को नीचे रखा, ये दोनों कट हो गया क्योंकि बोथ एरियाज आर इक्वल। सो डैट हेयर वी कैन से डैट AB² इज इक्वल टू PQ², डैट इम्प्लाइज AB² इज इक्वल टू PQ², डैट इज PQ इज इक्वल टू AB। सो डैट PQ इज इक्वल टू AB, अगर हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AB और PQ लिया तो ये दोनों इक्वल है। सो सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट BQ इज इक्वल टू QR एंड PR इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू PR। सो डैट जब दोनों ट्रैंगल्स के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए देन वी कैन से डैट ट्रैंगल ABC विल बी कंग्रुएंट टू ट्रैंगल PQR। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रोन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 था वो बिल्कुल मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक सर्कल लेंगे और जो भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट P से हमने दो टेंजेंट्स PA एंड PB खींच दिया, और यहाँ पे दो रेडियसेस, दो रेडियाई की भी हमने रचना की OA एंड OB। तो सो लेट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड OA एंड OB आर इट्स रेडियाई, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटेरियर पॉइंट P। अब जरा सा ये वाले ट्रैंगल में आते हैं और ये वाले ट्रैंगल में आते हैं नीचे वाले में, तो OA इज इक्वल टू OB, दोनों रेडियाई है तो दोनों इक्वल होंगे। OP इज इक्वल टू OP, दोनों ही ट्रैंगल्स में आप देख सकते हैं कॉमन है। और उसके बाद वी नो डैट रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट एट टेंजेंट पॉइंट। तो टेंजेंट पॉइंट पे ये इसके भी ये जो OA है वो इसके परपेंडिकुलर होगा और OB भी परपेंडिकुलर होगा, यानी दोनों 90 डिग्री। तो साइड इक्वल, एंगल इक्वल और फिर साइड इक्वल। तो साइड साइड एंगल, यहाँ पे थोड़ा सा साइड साइड एंगल होता, तो ये जो क्रिटेरिया है वो साइड साइड एंगल है, और साइड साइड एंगल क्रिटेरिया से दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंड वी नो डैट CPCT से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम कह सकते हैं PA इज इक्वल टू PB, क्योंकि जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें ये जो फिगर दिया हुआ है उसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है कि टोटल मतलब डेट मीन्स कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो देखिए इसमें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा, और उसके बाद ये जो अंदर दिख रहा है आपको और ये जो अंदर दिख रहा है, ये दोनों जो स्फेयर हेमिस्फीयर्स हैं उन दोनों का कर्व सरफेस एरिया लिया जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया इसका निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें इसको इसका कर्व सरफेस एरिया में आइए सॉल्यूशन की सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में जोड़ना होगा 2 × कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर्स, है ना। तो 2 πRH सारे लोग जानते हैं कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर,
एंड 2 × 2 πr², हेमीस्फीयर यहाँ पे होता, गलती से मैंने स्फीयर लिख दिया है, तो हेमीस्फीयर जो है, हेमीस्फीयर का जो होता है 2 πr² होता है। कर्व की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल सर्फेस एरिया नहीं। अब आइए, यहाँ पे मैंने 2 πr कॉमन ले लिया है, फिर कैलकुलेशन आप वीडियो रोक के भी देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने कैलकुलेशन किया है, 374 cm² इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इसमें मीडियन निकालना था, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 में जो है जो मीडियन निकालना था, तो आइए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने ये पूरा चार्ट बनाया है, यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखा है, यहाँ पे क्लास मार्क लिखा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा है, यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा। तो जब हमने इस फ्रीक्वेंसी को ऐड किया तो 280, ये तो बस मैंने ऐसे ही कर दिया है ताकि मेरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक है कि नहीं पता चल जाए, क्योंकि अगर ये और ये दोनों सेम है तो समझ जाइए कि आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही गई है। चलिए आइए, तो अब ये 280 है, यानी कि जो हमारा टोटल नंबर्स हैं वो इवन है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है मीडियन का, अगर इवन हो तो ये फॉर्मूला होता है हाफ एन प्लस टू टर्न प्लस एन प्लस टू टर्न प्लस वन, यानी एन प्लस टू प्लस वन टर्न। तो 280/2 अगर हम करते हैं तो हमको 140 टर्म्स निकालना है एंड 141 टर्म निकालना है। तो आइए देखते हैं किस में 140 और 141 टर्म आएगा। तो ये सारे के सारे आएंगे 180 में, क्योंकि 50 से लेके 49 तक तो इसमें है, 49 तक, 50 से लेके 182 तक के जो सारे जो आने हैं उसमें, वो सारा का सारा इसमें आएगा। तो 140 भी 12.5 और 141 भी 12.5, तो 12.5 12.5 दो बार जोड़ के बाई में 2 करेंगे तो 12.5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 18, वो है 4 tan θ = 3 दिया हुआ था और इसको निकालना था। ये देखिए बिल्कुल मैंने इसको निकाला है, आप वीडियो देख के ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैं इसका लास्ट आंसर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप करके आए हो एग्जाम में तो आप इसको देख के संतुष्टि आपको थोड़ी मिले। तो यहाँ पे जो है जो हमारा बिल्कुल आप सॉल्यूशन वीडियो रोक के देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने किया, ये काफ़ी हल्का है तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। तो इसका जो मेरा आंसर आया वो आया 13/11। और एक चीज़ की अगर कैलकुलेशन में कहीं एक आध मिस हो जाए तो आप बिल्कुल क्षमा करेंगे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है तो एक आध क्वेश्चन इधर उधर होना आम बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसी में एक और में करके भी क्वेश्चन था, तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, टेन टू ए वाला का। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि टेन टू ए का ये जो वैल्यू है टेन टू ए का, उसको मैंने चेंज कर दिया है, टेन को कॉट 90 - θ में बदल दिया, तो कॉट कॉट कैंसिल हो गया बोथ, या फिर हम कंपेयर कर सकते हैं बोथ साइड्स। तो 90 - 2a = 2a - 18, डेट इम्प्लाइज 3a = 108। सो डेट a का वैल्यू जो हमारा है वो होगा 108/3, डेट मीन्स 36 डिग्री। तो यहाँ पे जो a का वैल्यू था वो 36 डिग्री आने वाला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसका एरिया निकालने का रहा है 19 का। तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि आप स्क्वायर के एरिया में ये जो 1, 2, 3, 4, ये चार जो सेक्टर्स बन रहे हैं सर्कल्स के, आप उन सारे सेक्टर्स का एरिया निकाल के और स्क्वायर में घटा देंगे तो आपको शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। कैसे किया है तो यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप वीडियो देख के रोक के इसको देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे बताया हुआ है बिल्कुल ये सॉल्यूशन स्टेप वाइज। तो आप इसको वीडियो देख के और रोक के और देख सकते हैं, यहाँ पे जो आंसर आया है वो है 36 × 4 - π cm². नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 20 का, वो क्वेश्चन है ये ए बी सी डी ये दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल का और इसका एरिया निकालने के लिए कह रहा है। तो मैंने इसमें क्या किया, ए बी सी डी बना लिया और इसको मैंने दो ट्रायंगल्स में बांट दिया। ट्रायंगल्स में बांटने के बाद ए बी सी और ए डी सी हमारे दो ट्रायंगल्स बने। तो यहाँ पे मैंने देखिए वो फार्मूला अप्लाई कर दिया है। आप फिर से यहाँ, चूंकि ये कुछ नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डील किए होंगे इसमें, आप टेंथ प्रॉपरली पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल इसका सॉल्यूशन इस तरह से किया गया है और सॉल्यूशन करके यहाँ पे देखिए 72 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर है। एक बार अगर आप चाहें तो फिर से वीडियो रोक के और आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, 72 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि आपको प्रूफ करना है कि 100, ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन था 21 वो ये था कि 404 और 96 का एच सी एफ और एल सी एम निकाल के आप वेरीफाई कीजिए डेट एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। चलिए आइए, तो यहाँ पे हमने
496 का हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर एलसीएम निकाला, 96 96 एलसीएम, HCF4 आया, दोनों का गुना किया तो 38,784 आया, और जब हमने नंबर्स का भी गुना किया 404 and 96 का, तो भी हमारा 38,784 आया। सो दैट वी कैन से दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ या प्रोडक्ट्स ऑफ गिवन नंबर्स। सो ये प्रूफ हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बट मैंने इस मेरे लिए नहीं था, मतलब स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये। इसमें क्या है कि इसको मैंने, आइए निकालते हैं, इसके टू अदर जीरोज निकलने हैं क्योंकि ये 4 पावर का है, तो इसका 4 जीरोज होगा जिसमें 2 दिए हुए हैं। अब 2 जीरोज कैसे निकाला मैंने, तो सबसे पहले मैंने गिवन जीरोज, पहले तो मैंने ऊपर वाले को पी ऑफ एक्स मान लिया। अब मैंने गिवन जीरोज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रचना की। आप ये फॉर्मूला जानते होंगे कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। आप अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको देख लें, बुक में भी आप सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया वो x²-4x+1 आया। फिर मैंने क्या किया, x²-4x+1 से मैंने पी ऑफ एक्स को भाग दे दिया। तो चूंकि ये इसी के रूट से बना है तो ये फुल्ली कट गया नीचे आके। आपको अगर देखना है कि किस तरह से ये कट हुआ है तो ये देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप वीडियो रोक के और इसको देख लें। अब आइए जो हमारा ये आया 2x²-x-1, इसको मैंने यहाँ पे फैक्टराइज कर दिया। जैसे ही मैंने फैक्टराइज किया यहाँ पे 2 आंसर्स हमारे आ गए, x = -1/2 and 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23।